आप सभी लोगों को बताने वाले हैं कि अगर आपका आधार कार्ड खो गया है या गुम हो गया है या बह गया है, अगर आपके पास भी आधार कार्ड नहीं है, पहले आपने आधार कार्ड बनवाया था उसकी आपके पास रसीद भी नहीं है, ना ही आधार कार्ड की फोटोकॉपी है, ना ही आपके पास आधार नंबर है, मतलब आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी प्रूफ आपके पास नहीं है, तो उस स्थिति में आप अपना आधार कार्ड कैसे निकालेंगे? आधार कार्ड निकलवाने के लिए आपको क्या करना होगा? आधार नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? तो वही आज हम आप सभी लोगों को एक प्रोसेस बताने वाले हैं। अगर आपका दोस्तों राशन कार्ड बना हुआ है, राशन कार्ड पे अगर आपका यूनिट चढ़ा हुआ है, तो आप राशन कार्ड की डिटेल से आप आधार नंबर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको आवश्यकता होगी राशन कार्ड की। तो राशन कार्ड नंबर आप नोट कर लेंगे, किसी भी साइबर कैफे या किसी भी जनसेवा केंद्र पर जा करके अपना आधार कार्ड निकलवा सकते हैं। तो फुल प्रोसेस हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं कि राशन कार्ड संख्या से आप किसी भी व्यक्ति का पूरा आधार नंबर कैसे जानेंगे। जब आपको आधार नंबर मिल जाएगा तो बहुत ही आसान तरीके से आप किसी का भी आधार कार्ड निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले हम जाएंगे क्रोम, या मोबाइल में तो क्रोम खोल लीजिए, गूगल ब्राउजर कोई भी आपको ओपन करना है, उसमें इडिस्टिक सर्च करके इडिस्टिक का होम पेज खुलेगा। इडिस्टिक लॉगिन पे जाएंगे और अपनी सीएससी आईडी, जो भी आईडी पासवर्ड है, वो आपको सिलेक्ट करके डाल करके और कैप्चा डाल करके लॉगिन करना है। जैसे ही आप दोस्तों अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो प्रोसेसिंग वेट कर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको विभागीय एकीकृत सेवाएं एवं एसडीओजी निस्तार, यहाँ पे विभागीय सेवाओं हेतु आवेदन करें, इस पर क्लिक करना है। और फिर आपको अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको फूड एंड सिविल सप्लाई राशन कार्ड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद NFSA पे क्लिक करना है और फिर NFSA 03 पे क्लिक करना है। और यहाँ पे साइड से आपको कॉर्नर माउस ले जाएंगे तो कुछ कुछ ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पे आपको राशन कार्ड संशोधन में जाना है, राशन कार्ड संशोधन पे क्लिक करना है। राशन कार्ड संशोधन है तो आवेदन पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ज़िला, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, जिस भी आप ज़िले से आते हैं, वो ज़िला सेलेक्ट करना है। और आपको यहाँ पर अपनी राशन कार्ड संख्या डालना है, जो आपको कोटेदार से राशन नंबर मिल जाएगा, या राशन कार्ड कैसे निकाले उसका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा, वो आप देख करके आप राशन कार्ड संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं राशन कार्ड संख्या डाल दूँगा और सर्च पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे राशन कार्ड से पूरी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे बेसिक डिटेल्स है और एड्रेस डिटेल्स और फैमिली डिटेल्स। तो दोस्तों फैमिली डिटेल्स में जाना है आपको। फैमिली डिटेल्स में जितने भी यूनिट इस राशन कार्ड में जुड़े होंगे सारे ओपन हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि 7 यूनिट जुड़े हैं, तो मुझे सुखनंदन शत्रुघ्न जैसे कि इनका आधार नंबर जानना है। तो आधार नंबर जानने के लिए मैं एडिट पे क्लिक करूँगा। एडिट पे जब दोस्तों आप क्लिक करोगे तो एक आगे प्रोसेस होगा, एक ऑप्शन आएगा, एक फॉर्म खुलेगा जहाँ पे इनकी कुछ भी एडिट कर सकते हो। तो मैं एडिट पे क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक कॉलम होगा आधार कार्ड संख्या। तो दोस्तों मैं यहाँ तक, आप भी यहाँ तक प्रोसेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको आधार कार्ड संख्या नहीं दिखती। तो ठीक, आपको नीचे देख रहे होंगे सदस्य जोड़े लिखा है, तो कहीं पे भी आपको नहीं क्लिक करना, केवल सदस्य जोड़े पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको टॉप अप ऊपर एक मैसेज आएगा जहाँ पर आपका आधार नंबर लिख करके आ जाएगा। तो सदस्य जोड़े पर आपको क्लिक करना केवल, और कहीं भी नहीं क्लिक करना है। जैसे ही आप सदस्य जोड़े पे क्लिक करेंगे तो कुछ प्रोसेसिंग होगी और एक टॉपअप ऊपर एक मैसेज आएगा कि यह आधार नंबर इस राशन कार्ड संख्या पे ऑलरेडी पहले से जुड़ा हुआ, तो वहाँ से आप आधार नंबर आपको नोट कर लेना है। तो जैसा कि यहाँ पे हम वेट करेंगे एक मिनट, तो देख सकते हो तो NFSA UP गवर्नमेंट इंसेस, मतलब आधार संख्या, ये आधार संख्या लिखी है और ये इसके आगे आपका जहाँ के रहने वाले जनपद हरदोई राशन कार्ड संख्या सदस्य का नाम ऑलरेडी मतलब पहले से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है या राशन नंबर नोट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो इस प्रकार से अपना राशन कार्ड संख्या निकाल सकते हैं किसी भी व्यक्ति का। अगर दोस्तों वीडियो से थोड़ी भी बहुत मदद मिल रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।